वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. भाई साहब, पाकिस्तानी महिला ने बजा के रख दी, कहती जो यहाँ पे मर्द हमें बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझते हैं, जब उनको दूसरी औरत मिलती है उनसे शादी करके हमें लात मार के घर से बाहर फेंक देते हैं। इस बारे में तू बोल, बता ये क्यों हुआ है? मल जहाँ पर मैं रहता हूँ मलेशिया में, उधर ऐसा नहीं होता, उधर पाकिस्तान में ऐसा ना अब हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँ सालो। जब पाकिस्तान में एक वो वाकया हुआ था सैलकोट में, हिंदू को बीच सड़क पे इन मुल्लों ने आग लगा दी थी, तो वो क्यों किया था इन्होंने? बिल्कुल। फिर जब यहाँ पर कानून है, यहाँ पे जब अदालतें, तो इन्होंने मुल्लों ने क्यों तलवारें उठाई? इधर मुल्लों को बोलो ना जो ऐसा काम करे उसकी भी मारो। नहीं मारेंगे, क्योंकि भाई मुल्ले ही सबसे पहले ये काम करते हैं। मुल्ले को जाके पकड़ो, उसकी कितनी बीवी है, चार पक्की। बोल पाकिस्तान के अंदर जो वो लेक्चर्स दे रहे हैं डेली बेसिस पे, और हर नए दिन नहीं बल्कि हर एक घंटे के बाद नया शोशा निकलकर सामने आ रहा है, और उस पे हिलेरियस किस्म की डिबेट्स हो रही हैं, और सोशल मीडिया भर चुका है इस वक्त। जब से एक महीने के अंदर तो जितना कंटेंट बन रहा है वो शायद एक साल में भी ना बने। सही बात है, औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है ना कोई लॉ बनाता है, बस औरत दुनिया में लड़ती है कोई कचहरी में, या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज बनाती है। तो ये मैं आपसे गुजारिश, कोई नहीं सुनना चाहता है, मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। क्यों ना साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना। अभी पाकिस्तान में उसका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या? आपकी गलती बराबर ना, जरा बोलो ना कि इंप्लीमेंट। आपको मलेशिया में आके रहने का तुम्हें इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर कोई गलती से क्रिश्चियन कुछ शर्म आया है बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल करेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के, समझ आई? जवाब नहीं, जवाब नहीं है ना इसके पास। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज का आंसर आप भेज दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो है अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? जी, मेरा नाम लक्ष्मण है, बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता, बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो कर। जय दोस्तों, जाकिर नायक पाकिस्तान में आया हुआ एक महीने के लिए, और भाई साहब जो इनके दिमाग में जहर है वो धीरे 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 निकल रहा है, और बड़ी अच्छी बात है। भाई हम तो कह रहे हैं ये पाकिस्तान में आया हुआ है, दुनिया को इनकी असलियत पता लग रही है। पाकिस्तान की महिला ने जब पूछा कि भाई पाकिस्तान के अंदर मर्द है हमें पीटते हैं घसीटते हैं घर के बाहर निकाल देते हैं बच्चों के सुधा और दूसरी शादी कर लेते, इसका क्या कानून है? तो पता है क्या कहना है कि भाई ये कानून तो है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं है तो मैं क्या करूं। तो भाई तू तो अपनी ऐसी तैसी कराने आया वहां पर, तू बोलता है कि पाकिस्तान जन्नत में पहले जाएगा अमेरिका से, तू वहां पर कन्वर्ट तो करवा रहा है, उनकी वीडियो बना रहा है, तो इस कानून के लिए तेरी जुबान चुपकी वहां नहीं बोलता तू महिलाओं को भी बराबर हक मिलना चाहिए? आपकी क्या राय, वीडियो में देखिए उसके बाद बात करेंगे। हाउस वाइफ हूं, और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ जिंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शौहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द की तरफ जाना चाहे, और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है, और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी खवातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के। ये बड़ी अच्छी बात कही है, अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है ये, अब मलेशिया में जाइए, माशाल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसे 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता था, पता ही नहीं की पूरी मलेशिया में भरे 63% मुस्लिम थे, लेकिन वहां का कानून इस्लामिक कानून माशाल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है इस्लामिक कोर्ट भी है, तो ऐसे मामला वहां वहां का सोल्यूशन एकदम माशाल्लाह एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अच्छा, अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा सब है,
इस्लाम में है, नहीं इस्लाम में। तो भाई साहब यहाँ नहीं तो मैं तो अभी यहाँ नहीं तो मेरी गलती है, फजूल के लोगों मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके इस्लाम में कानून बैन सर की छत दे इस्लाम औरत को दे बैन इस्लाम में कानून है, अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या? बराबर ना। तो आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। आप कर सकते हो बोल लो उन पे, इसलिए मैं मलेशिया चुना। इनको ये सिखाया जाता है जो जाकिर नायक सिखाता है और ऐसे ऐसे आतंकी क्लेरिक और टीचर सिखाते हैं कि अलग अलग हजारों थाना में जाकर के एफआईआर करो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा मत करो, रोड पर उतरो पत्थर मारो, रोड पर उतरो आतंकी हमला करो, रोड पर उतरो जिहादी हरकत करो, रोड पर उतरो अपनी भीड़ दिखाओ। भाई साहब पाकिस्तानी महिला ने बजा के रख दी, कहती तो यहाँ पे मर्द हमें बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझते हैं, जब उनको दूसरी औरत मिलती है उनसे शादी करके हमें लात मार के घर से बाहर फेंक देते हैं। इस बारे में तू बोल बता ये क्यों हुआ? जहाँ पर मैं रहता हूँ मलेशिया में उधर ऐसा नहीं होता, उधर पाकिस्तान में ऐसा ना या बोल रहे तो मैं क्या बोलूँ। सालों जब पाकिस्तान में एक वो वाक्य हुआ था सियालकोट में, हिंदू को बीच सड़क पे मुल्लों ने आग लगा दी थी, तो वो क्यों किया था इन्होंने? बिल्कुल। फिर जब यहाँ पर कानून है, यहाँ पे जब अदालतें हैं, तो इधर मुल्लों ने क्यों तलवारें उठाई? इधर मुल्लों को बोलो ना जो ऐसा काम करे उसकी भी मारो, नहीं मारेंगे क्योंकि भाई मुल्ले सबसे पहले ये काम करते हैं, मुल्ले को जाके पकड़ो उसकी कितनी बीवी है, चार पक्की बोलेगा, चार चार नहीं तो दो, तो दो तीन तो लाजमी है, 100% बोलेगा कि दो से तीन उसको ये भी बोला ना कि और ना। और फिर भाई साहब भागा ही चुप करके नहीं बता रहा था, कहता यार अब यहाँ पर है नहीं, मैं क्या कर सकता, तू मुल्लों को बैठा के समझा ना कि ये चीज करो, तू पाकिस्तान के बड़े बड़े मुल्लों को बैठा और सही बात उसने की है कि भाई साहब के तुम लोग इतनी पाक हो, तुम मुलाना इतनी साफ हो, तो भाई साहब कोठों पे क्यों जाते हो? ये वाकई में जाते वीडियो वायरल है, पाकिस्तान के मुल्ले कोठों पे जाते हो तो लड़कियां डांस कर रही, तुम क्या यूं यूं डांस कर रहे हो? बिल्कुल नाच रहे होते हैं भाई उनके सामने और ऐसे ऐसा ना डांस कर रहे होते, तुम देखो तुम बोलोगे ये कर क्या रहे हैं। जब उसने बात वो की तो भाई साहब डॉक्टर जाकिर नायक ने बोला कि अगर मैंने इधर मुल्लों को कुछ बोला तो ये मुल्ले मेरे पे फतवा लगा के मेरी गर्दन उड़ाएंगे। ये तो बात सच है, ये दौड़ाते हैं, इनसे गलत बात करोगे भाई वही ना, गलत काम करें ठीक है भाई साहब, इधर तो यही तो बात। देखो आज यहाँ पे पाकिस्तान की औरत इतनी तंग है, इतनी तंग है कि देखो वो क्या बोल रही है। तो औरत ने क्या जवाब दिया था डॉक्टर जाकिर नायक? वही ना भाई साहब, वो पीट रही है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर बच्चे पैदा करने वाली मशीन से ऊपर कुछ समझे नहीं जाता, प्रॉपर्टी हमें बनाया है, बोला है ये प्रॉपर्टी है। तो उसने फिर एक दूसरे औरत ने बोला ना कि लगता है डॉक्टर जाकिर नायक की भी बेटी कोठे पे बैठी है, उसने भी सीधा सीधा बोल दिया। ये बात तो है, जैसा बोलोगे ऐसा सुनोगे अगलो। भाई साहब आपकी क्या थॉट है बारे में, इधर ही बुरा तुम तो हम भाई साहब पाकिस्तानी महिला ने बजा के रख दी, कहती कि यहाँ पे मर्द हमें खेत पर बच्चे पैदा करने वाले मशीन समझते हैं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।